चुनाव 2020 के तहत खाजुवाला की 31 ग्राम पंचायतों का चुनाव प्रचार अब शुरू हो गया है। चौथे चरण की 10 अक्टूबर को होने वाले पंचायत राज्य चुनाव में कल नाम वापसी का आखिरी दिन था। अब नाम वापसी के बाद चुनाव चिन्ह आवंटित होने के साथ ही चुनाव का प्रचार प्रसार भी जोर शोर से शुरू हो गया है। खाजुवाला की 31 ग्राम पंचायतों के 108 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनका 10 अक्टूबर को मतदान होगा। यहां पर आप देख सकते हैं खाजुवाला ग्राम पंचायत की माधोडिगी, जिस समय हम इस समय मौजूद हैं यहां पे ग्रामीण भी आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंस के साथ साथ यहां मास्क भी लगा रखे। हालांकि कहीं ना कहीं कोविड महामारी भी इस बार प्रशासन व सरपंच उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी चुनौती नज़र आ रही है। इस गांव के अंदर आज भी कई सुविधाएं नज़र नहीं आ रही है। बात करें अगर शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र के अंदर, आज भी यह गांव पिछड़ा हुआ नज़र आ रहा है। हमारे साथ यहां पे ग्रामीण भी मौजूद है, हम इनसे जानना चाहते हैं 10 अक्टूबर को आप गांव के सरकार चुनेंगे, गाँव में क्या समस्या नज़र आ रही है? गाँव में सर समस्या सारे ज़्यादा पानी और पीने वाली समस्या, और यहाँ पर एक चक में कम से कम 10 लाख का पानी पीते हैं लोग, 10 लाख का पानी पीते हैं और खाना तो लग रहा है। ये जो कमी है ये ग्राम पंचायत माधोडिगी इसको दूर करेगी, हमारा साथ दें सब लोग। देखा आपने, एक बड़ी समस्या जो नज़र आ रही है शुद्ध पेयजल को लेकर, इनका कहना है कि टैंकरों के माध्यम से एक साल के अंदर 10 लाख रुपए का पानी पर खर्चा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस बार बनने वाले सरपंच से उम्मीद रहेगी कि गाँव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी करवाएं। हमारे साथ अन्य महिलाएं भी आप देख सकते हैं खड़ी हैं। गांव में ऐसी क्या समस्या है जिसको आप उम्मीद करेंगे आने वाले 5 साल के अंदर सबसे पहले प्राथमिकता से वह काम हो? और हमारे पानी की व्यवस्था कर दो, सड़कों की, और खेतों के किसी का पानी नहीं है, खेतों में डिग्गी नहीं है, जमीन होते हुए लोग गरीब जनता भूख मर रही है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं इन महिलाओं का भी दर्द, आप देख सकते हैं गांव में शुद्ध पेयजल की एक बड़ी समस्या नज़र आ रही है। तो आने वाले 10 अक्टूबर को इस सोच कर ये है निर्णय करेंगे कि हमारे को गांव की कैसी सरकार चाहिए। हमारे साथ कैंडिडेट भी यहाँ जायना खातून है, हम इनसे जानना चाहते हैं कोविड-19 एक महामारी है, क्या मतदाताओं से अपील करेंगे ताकि आने वाले 10 तारीख को चुनाव के समय मतदाताओं से अपील क्या करें ताकि उस कोरोना महामारी से भी बचा जाए? दूरी बनाए रखें, मास्क लगा रखें। बिल्कुल, इनका कहना है कि मास्क लगाए रखें, सोशल डिस्टेंस भी जरूरी है। हमारे साथ यहाँ पर शौकत अली जो प्रतिनिधि हैं, उम्मीदवार इस समय मैदान में हैं, इनके से हम जानना चाहते हैं गांव के अंदर एक बड़ी समस्या नज़र आ रही है शुद्ध पेयजल, अगर आपको 5 साल का मौका मिलता है तो किस तरीके से आप इस योजना को क्रियान्वित करेंगे? बिल्कुल, हर 4 गांव लगते हैं हमारी ग्राम पंचायत में, और 4 गांवों में भी ये पेयजल की बहुत समस्या है, शुद्ध के मतलब बिगर शुद्ध भी नहीं मिल रहा है, और इसलिए अगर जनता मौका देती है तो बिल्कुल हम घर घर GLR लगवा कर घर घर टूटी वाटर बक्स का भी कोशिश करेंगे और लगवाएंगे। सिंचित इलाका होने के साथ साथ डाट कवरिंग की एक बड़ी समस्या नज़र आ रही है। बात करें तो भूमि आवासीय पट्टे एक बड़ी समस्या है, नरेगा के अंदर लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आम गरीब तक उन राशन भी नहीं पहुंच रहा है, बड़ी समस्या है, क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? बिल्कुल, जनता अगर मौका देती है तो ग्रामीण आवासीय पट्टों का भी प्राथमिकता से काम करवाएंगे और डाट कवरिंग वाला भी प्राथमिकता से करवाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो विद्यालय कर्मोन्नत नहीं हो रहे हैं, बच्चियों को दूर दराज पढ़ने के लिए जाना पड़ रहा है, ये भी एक गांव की बड़ी समस्या नज़र आ रही है। हाँ जी, बच्चियों के लिए अलग से विद्यालय और जो भी होगा उचित वो करवाएंगे काम। 10 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, कोविड-19 एक महामारी है, मतदाताओं से क्या अपील करेंगे ताकि कोविड-19 बचने के साथ साथ 10 अक्टूबर को शांतिपूर्ण मतदान हो? उचित दूरी बनाए रखें, मास्क लगा कर मतदान का प्रयोग करें और ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं करने की अपील करेंगे। बिल्कुल, ये थे उम्मीदवार प्रतिनिधि शौकत अली, इनका कहना है कि कोविड-19 महामारी से बचने के लिए मास्क व सोशल डिस्टेंस की पालना करनी भी जरूरी है, सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। हालांकि खाजुवाला की 31 ग्राम पंचायतों में 108 उम्मीदवार मैदान में है, चुनाव का प्रचार प्रसार पूरी तरह से जोर पकड़ चुका है, ऐसे में मतदाताओं में भी कहीं ना कहीं उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि गांव की सरकार बनने वाली है 10 अक्टूबर को, तो बड़ी समस्याएं भी नज़र आ रही है गांव के अंदर, सबसे बड़ी बात शुद्ध पेयजल व डाट कवरिंग की एक बड़ी समस्या नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं ये समस्या आने वाले इस 5 सालों के अंदर पूर्ण हो, हल हो, इसका समाधान हो, यही इस क्षेत्र की जनता, मतदाता, आने वाले भावी सरपंच से ये उम्मीद भी कर रहे हैं ताकि इनकी समस्या का समाधान हो। टुडे 24 के लिए सुरेंद्र डेलू, बीकानेर।